हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसीक्वेंस। सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्लास में। यस, फाइनली। चलिए, क्लास सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे सबसे पहले बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रुप थ्योरी लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बताइए। आई एम गुड। आप सभी कैसे हैं? आप सभी कैसे हैं गाइस? तो मैं आप सभी से बिल्कुल ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं ग्रुप थ्योरी लीनियर अलजेब्रा। जिन जिन बच्चों ने ग्रुप थ्योरी लीनियर अलजेब्रा जितना मैंने पढ़ लिया उतना पढ़ा दिया है, ठीक है ना। मतलब तो जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आप उतना पढ़ चुके हैं तो आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने में कैपेबल हैं। प्लीज़ उन्हें ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, ठीक है ना। चलिए बिना देरी के आज पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, उसका भी तरीका बताऊंगा। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स कंप्लीट करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। कोई बात नहीं। जिन बच्चों से लेक्चर्स कवर नहीं हो रहे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिससे कि उनके लेक्चर्स कंप्लीट हों और उनको भी फायदा मिले बराबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सब सीक्वेंस की। कोई बात नहीं, कुंदन अभी आगे आएगा, उसका यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब सीक्वेंस की बारी आती है, ठीक है। तो सब सीक्वेंस, तो देखो लेट क्या होती है सब सीक्वेंस। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। हम लेट कर रहे हैं लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एन वन एन टू एन थ्री एंड सो ऑन एन के एंड सो ऑन बी ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना, ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन अब देखो, देन ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री ए एन फोर, ठीक है ना, ए एन के अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगी, इज ए सबसीक्वेंस ऑफ ए एन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हो जाएगी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन। अब इसका एग्जाम्पल इसको देखो समझो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए एन क्या थी, ए एन इज एनी सीक्वेंस। तो मुझे पता है सीक्वेंस के टर्म्स कैसे डिफाइन होते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे एन वन एन टू एन थ्री ये अलग नेचुरल नंबर्स ले लूँ और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एक तरीके से। मान लो एन वन एन टू की जगह टू फोर सिक्स एट, ठीक है। और उस कंडीशन में मान लो आपने इसे बना दिया टू फोर सिक्स एट टेन, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ए टू ए फोर ए सिक्स ए टेन।
तो ये सब सीक्वेंस बन जाएगी, मतलब सीक्वेंस में से भी हम एक सब सीक्वेंस निकाली है। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि आप सीक्वेंस ए एन की सब सीक्वेंस खुद ए एन हो सकती है, ऑफ कोर्स कोई सीक्वेंस खुद की सब सीक्वेंस हो सकती है, दूसरी चीज ए टू एन ये क्या बन जाएगी ए। अब देखो एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2, ए 4, ए 6, ए 8, ए 10, ए 12 एंड सो ऑन। नंबर 3 ये क्या हो जाएगा, ए 2n+1, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, a3, a5। तो ये सारी की सारी सबसिक्वेंस के एग्जांपल हैं। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a7, a9 एंड सो ऑन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो ये क्या है, ये सब आपस में क्या है, ये सबसिक्वेंसेस हैं। दीज ऑल आर सबसिक्वेंसेस, जैसे a2n-1 है तो ये भी अपने आप में सबसिक्वेंस है। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो वही आ जाएगा 2n-1, फिर a3, a5, a7, a9 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो आप में से, अब मान लो अगर आपको सब सीक्वेंस ऐसी दे दी जाए, सोचो अगर सब सीक्वेंस के नाम पे मान लीजिए आपको दे दिया a2, a8, अब यहां पे आपको दे दिया a3, a4, a6 एंड सो ऑन। देखो सबसिक्वेंस में क्या होता है ना कि आपकी जो ऑर्डरिंग होगी, मतलब आपकी जो टर्म्स होंगे वो एक ऑर्डर में होते हैं जो कि एक्चुअल सीक्वेंस होंगे। ऐसा नहीं है अगर मान लो आपको किसी ने दे दिया a2, a8, a3, a4, a6, 3, 4, 6 तक तो ठीक है, लेकिन ये जो a8 है इसको आगे होना चाहिए था लेकिन इसको बीच में ला के रख दिया, तो यानी कि ऑर्डरिंग को खराब कर दिया। जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी उसकी ऑर्डरिंग को यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सो दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। सो दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगी, ये सबसे अहम और इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अगर अगर टर्म्स की ऑर्डरिंग के साथ छेड़खानी की गई तो सब सीक्वेंस नहीं बनेगी। वो कैस के मापा बेटर है, वो कैस के मापा सफिशिएंट है। बताइए मुझे यहाँ कितने बच्चों को क्लैरिटी है, प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। चलिए आगे बढ़ जाएं, यहां तक सभी को क्लैरिटी है ना, बताइए यहां तक सभी को क्लैरिटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। सीएसआईआर के लिए, सीएसआईआर के लिए अभी तो आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना शिवांगी, सीएसआईआर के लिए बुक की जरूरत नहीं है अभी, सीएसआईआर के लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। चलो नेक्स्ट, अब नोट, एक मिनट रुक जाइए,
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको सबसिक्वेंस तो समझ में आ ही गया होगा। क्यों आपको सबसिक्वेंस तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और नोट्स के पास। ओके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करवा देंगे लेकिन बाद में, अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। आईआईटी की लाइफ का किस्सा भी सुना देंगे बाद में। अब देखो, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यस, देन ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, ए एन बी ए रियल सीक्वेंस एंड सीक्वेंस ए टू एन। प्लीज एक मिनट रुकिए। हाँ, सीक्वेंस ए एन ए टू एन, ठीक है ना, ऑफ इवन सफिक्स एंड सीक्वेंस ए टू एन प्लस वन ऑफ ऑड सफिक्स कन्वर्जेस टू सेम नंबर एल। Same number L if and only if AN converges to number L। यहां तक किस किस को, अब देखो इसको समझो, मतलब ये हुआ, मान लीजिए इसका मतलब समझाया तो मैं, क्या है, मान लीजिए आपकी सीक्वेंस को ए एन है, ठीक है, और ए एन कन्वर्जेंट है किसी नंबर एल पर। कन्वर्जेंट तो याद है ना, कल पढ़ाया था मैंने, अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है और उसका कोई यूनिक लिमिट पॉइंट एल है, सॉरी उसका कोई यूनिक लिमिट पॉइंट एल है, मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड है एंड लिमिट एल आ रही है तो हम बोलेंगे सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू एल। तो अगर मेरी कोई सीक्वेंस है ए एन, है ना, तो अब तो उस कंडीशन में मैं अगर इसकी दो सब सीक्वेंस बना दूं, तो ये दोनों की दोनों सब सीक्वेंस भी इसी नंबर एल पे कन्वर्स करेंगी। ये होती है थ्योरम। कितने बच्चों को समझ में आई है बताइए। प्लीज अभी अभी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पढ़ाई में ध्यान लगाइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के क्वेश्चन इसी पे होंगे। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट पे होगी, ठीक है ना। चलिए बताइए मुझे, यहां तक क्लैरिटी है, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मान लीजिए आपकी सारी की सारी सब सीक्वेंस, मान लीजिए अगर आपकी सारी की सारी सब सीक्वेंस किसी नंबर एल पे जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो मेन सीक्वेंस को भी एल पे कन्वर्ज होना पड़ेगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ लो कि अगर हमारी मेन सीक्वेंस किसी एल नंबर एल पे कन्वर्जेंट होगी, तो इसकी ईच एंड एवरी सब सीक्वेंस इसी नंबर एल पे जाके कन्वर्जेंट होगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, मैं वो भी प्रिपेयर वो भी लॉन्च कर दूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेम फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। प्लीज अभी मुझे बताइए, क्या ये बात सभी को क्लियर है? बताइए क्या ये चीज सभी को क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।
अब इस नोट को थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी नोट को इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट टू नंबर एल, देन इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट टू नंबर एल, देन इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट टू नंबर एल, देन एवरी सबसिक्वेंस ऑफ देन एवरी सबसिक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्जन टू सेम नंबर एल। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? बताइए यहां तक बिल्कुल क्लियरिटी है? तो हर सब सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा, अगर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो हर सब सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स ही होते हैं और सब सीक्वेंस के अंदर भी इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। इसका एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, अब इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, एग्जांपल दिखा देते हैं, ये रहा माइनस वन की होल पावर एन। मुझे बताइए, हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्यों? ये बाउंडेड तो है बट यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम सबको पता है दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, लेकिन अब इसको थोड़ा सब सीक्वेंस वाले उस पर देखते हैं। तो देखो माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन एंड सो ऑन, निकाल लिया हमने ये। देखो हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी इवन टर्म्स को। इवन टर्म्स पे क्या रहा है? प्लस वन प्लस वन, वन 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 एंड सो ऑन, ए टू एन माइनस वन इज माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो आप मुझे बताइए, अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी दो सबसिक्वेंस बना ली और ये सबसे ये सबसिक्वेंस किस पे जाके कन्वर्जेंट हो रही है? वन पे। ये किस पे जाके हो रही है? माइनस वन पे। अब मैंने देखा दो सबसिक्वेंस दोनों की दोनों अलग अलग नंबर पे जाके कन्वर्जेंट हो गई, तो इसके इसको इम्प्लीमेंट करके मैं क्या बोल सकता हूँ? इम्प्लाइज बोथ सबसिक्वेंस सेस आर नॉट कन्वर्जेंट टू सेम नंबर एल, सो जो मेन सीक्वेंस है इज नॉट कन्वर्जेंट। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? ये तो सबसे छोटा और सबसे आसान एग्जांपल उठाया मैंने, ठीक है। नहीं तो सबसे छोटा और सबसे आसान एग्जांपल उठाया मैंने। अब थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टिपिकल सा एग्जांपल लेते हैं जिसको सॉल्व करने में भी मजा आए। चलो ये एग्जाम्पल तो सभी को समझ में आई गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आईआईटी जेम के लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचा रहे हैं आपको। साइन पाई एन बाई टू, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पाई एन बाई टू, इसमें पाई में किसका भाग जा रहा है? दो का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू वन ले सकता हूँ और टू ले सकता हूँ, मतलब ऑर्डर इवन दो ही नंबर ले सकता हूँ। जैसे इसकी एक तो बनेगी ये ए टू एन, ए टू एम मान लो, ठीक है। मतलब n की जगह मैं क्या ले लूंगा? सारे के सारे इवन नंबर, यानी कि 2m, सॉरी इसको 2n ही मान के चलो, a 2n, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाई टू, और एन की जगह क्या हो जाएगा, टू एन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन एन पाई, ठीक है। अब साइन एन पाई का मतलब क्या, एन की वैल्यू जरा वन रखूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, साइन की वैल्यू वन रखूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, एन की वैल्यू वन रखूंगा तो साइन पाई जीरो, एन की वैल्यू टू रखूंगा तो साइन टू पाई ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड सो ऑन। ए टू एन प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, साइन पाई बाई टू, टू एन प्लस वन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, तो ये कितना हो जाएगा साइन, अब देखो अब जब टू एन प्लस वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस साइन एन पाई प्लस पाई बाई टू, समझ रहे हो। अब एन की वैल्यू जरा यहां वन रख के देखो, देखो एन की वैल्यू जरा यहां वन रख के देखो तो कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई टू मतलब माइनस के वन, एन की वैल्यू टू रख के देखो तो वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन। तो जरा निकालो इसके लिमिट पॉइंट कितने आ गए बताओ, इसके लिमिट पॉइंट कितने आ गए, इसके लिमिट पॉइंट तो दो आ रहे, तो इसका तो एक ही लिमिट पॉइंट निकल के आया जीरो, और इसके दो लिमिट पॉइंट निकल के आ गए वन एंड माइनस वन। तो टोटल लिमिट पॉइंट्स कितने आए, टोटल लिमिट पॉइंट्स आए तीन, माइनस वन जीरो प्लस, यहां तक क्लैरिटी है बताइए, गाइस यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, ओके okay। जबकि मुझे पता है लिमिट पॉइंट यूनिक आना चाहिए था, इन सभी की सभी सब सिक्वेंस का यूनिक लिमिट लिमिट पॉइंट यूनिक आना चाहिए था, लेकिन यूनिक नहीं आया। इम्प्लाइज साइन एन पाई बाई टू इज नॉट कन्वर्जेंट, क्लैरिटी है यहाँ तक, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये बाउंडेड होगा लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा है इसका, इसका यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ तक क्लैरिटी ना सभी को। अब नेक्स्ट चलते हैं, साइन एन पाई बाई थ्री, अब मुझे पता लग गया एन पाई बाई थ्री इसमें तीन का भाग जा रहा है, तो इसकी तीन सबसिक्वेंस बनेगी, किस तरीके से, पहली सबसिक्वेंस बनेगी ये ए थ्री एन, तो ए थ्री एन का मतलब क्या हो गया, एन की जगह थ्री एन रखना है आपको यहां पे, तो हो जाएगा साइन थ्री एन और ये पाई बाई थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, साइन एन पाई, यहां तक क्लैरिटी है बताइए गाइस, यहां तक बिल्कुल सही सलामत क्लैरिटी है ना सभी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को। दूसरी चीज ये हो जाएगा ए थ्री एन प्लस वन, ये कितना हो जाएगा साइन थ्री एन प्लस वन इंटू पाई बाई थ्री। अच्छा साइन एन पाई, ये इसकी लिमिट पॉइंट क्या है, इसका इसका लिमिट पॉइंट आएगा सिंगलटन जीरो, इसका लिमिट पॉइंट आएगा सिंगलटन जीरो, जबकि साइन थ्री एन प्लस वन पाई बाई टू इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या आएगा बताओ, आप एन की वैल्यू वन रखोगे
तो ये 4π/3, n की वैल्यू 2 रखोगे तो इसको ऐसे समझो, साइन एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है ना, साइन एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। अब आप एन की जगह वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, और देखो इसकी वैल्यू, इसके दो लिमिट पॉइंट्स आएंगे, एक तो आएगा प्लस के √3/2 और दूसरा आएगा माइनस के √3/2। आप चाहो तो निकाल के देख लो, इसके इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे। सबसिक्वेंस जितना जितना भाग जा रहा होगा ना, उतना जितना भाग जा रहा होगा उतना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सीक्वेंस आ गई है, कोई भी यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी दे रखा है, ठीक है ना, और अंदर दे रखा है एन पाई अपॉन के, तो सबसिक्वेंस पता है कितनी बनानी है, पहली सबसिक्वेंस बनेगी ए के एन, दूसरी बनेगी ए के एन प्लस वन, और ये कहाँ तक जाएगी बनते बनते, कि ए के एन प्लस के माइनस वन। क्लैरिटी है, बताइए ये सब सिक्वेंस बनेंगी इस केस के लिए। अभी यह क्लियर हुआ, अभी एन की वैल्यू जैसे यहाँ के की वैल्यू 3 आई, तो मैंने क्या डाला यहाँ पे ए 3n और ए 3n प्लस वन, और नीचे और क्या आएगी ए 3n प्लस टू। जैसे मैं a3n प्लस डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बिकम साइन n पाई प्लस 2π/3। क्लैरिटी है यहाँ तक सभी को, ठीक है ना। तो इसके भी दो ही लिमिट पॉइंट आएंगे यहाँ पर, इसके भी दो ही लिमिट पॉइंट आएंगे, एक तो प्लस √3/2, एक माइनस के √3/2। तो टोटल कितने लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं इन तीनों की तीनों सब सिक्वेंस। ये रूल है, दिस इज रूल, इसे रूल मान के चलो। तो पहले मुझे बताओ ये तीन सबसिक्वेंस बनानी सभी को आ गई यहाँ पे, फिर सदियार इनफाइनाइट सबसिक्वेंस नहीं होते, एक से बिल्कुल हो सकते हैं रजत इनफाइनाइट सबसिक्वेंस, लेकिन अगर फाइनाइट सबसिक्वेंस बना के हमारा काम चल रहा है तो हम अपनी तरफ से चीज़ों को टिपिकल क्यों बनाएं, बताओ। हमें पता है सीक्वेंस की इनफाइनाइट सबसिक्वेंस बन सकती है, दैट्स रियली ट्रू, लेकिन अगर मेरा काम चल रहा है फाइनाइट सबसिक्वेंस में बना के, तो मैं इनफाइनाइट सबसिक्वेंस क्यों बनाऊं। अब देखो, अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, चलो एक काम करते हैं प्रॉपरली इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सपोज करो जैसे ये वाला है, ये जैसे ये है, इसको जब ओपन करोगे आप तो एन की वैल्यू 1 रखोगे। चलो इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना, इसको जरा मैं ओपन करता हूँ कि ए 3n प्लस 1, ए 3n प्लस 1 क्या आया, अंदर वाला ही आ गया साइन n पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो n की वैल्यू जरा 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री। साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना है बताओ जरा, माइनस के रूट थ्री बाई। अब दूसरी चीज, अब n की जगह वैल्यू जब 2 रख दूंगा तो साइन 2π प्लस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती बताओ जरा। अगर n की जगह मैं क्या रख दूं जरा बताओ, अगर मैं n की जगह क्या रख दूं 2, तो 2π प्लस पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री मतलब समझते हो ना कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, √3/2। ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3π प्लस पाई बाई थ्री दोबारा वैल्यू माइनस के √3/2, ये दोबारा इस तरीके से। तो तुम जरा ध्यान से देखो इसके कितने लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, प्लस के √3/2 एंड माइनस के √3/2। तो वही लिखा मैंने इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई जरा बताओ। ये बात सभी को समझ में आई यहाँ पे, बताइए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आएगा रजत सब सिक्वेंस के ऊपर, तो वहां देखना आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है उस क्वेश्चन में। आप अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा सब सिक्वेंस के ऊपर, फिर आपको पता लगेगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ।
ये सब है ना, ये सब बच्चों वाला काम है, ये वार्म अप चल रहा है अभी सब कुछ। एक्चुअल क्वेश्चंस तो अभी आगे आएंगे सब सीक्वेंस में। ये आपका वार्म अप है, ठीक है ना, ये वार्म अप है। वार्म अप है। देखो अब 3 2n+1 का मतलब क्या हो गया, इसको कंसीडर करेंगे। अगर मैं एन की वैल्यू कितनी रखूं, 1 रखूं, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूं तो पाई प्लस 2π/3, तो 2π/3 का मतलब कितना हो गया, 1। तो ये स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई प्लस 2π/3, यानी कि कितना, 120, 180 ये आ जाएगा स्टार्टिंग में, वही सेम बनेगा। सेम बनेगा, आप एन की वैल्यू रख रख के देख लो, और मुझे उम्मीद है ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती होगी। अभी तैयार नहीं हो, अब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी है ना ये इन क्वेश्चंस में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना लो, अभी एक्चुअल क्वेश्चन तो आगे आएंगे, अभी जहाँ आपको थोड़ा पता लगेगा कि क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है सब सीक्वेंस का। चलिए बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है, तो अभी समझ में आया ना, तो ये मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताया, इसका ये रहा और इसका ये रहा। ओहो, बताइए, तो टोटल लिमिट पॉइंट्स, टोटल लिमिट पॉइंट्स, सिर्फ टोटल लिमिट पॉइंट्स, टोटल लिमिट पॉइंट्स कितने हो गए बताओ, 0 प्लस √3/2 माइनस के √3/2, तो इसका मतलब क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है। इम्प्लाइज आपकी जो मेन सीक्वेंस थी साइन एन पाई बाई थ्री इज नॉट कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी सब सीक्वेंस, इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस है वो सेम नंबर पे कन्वर्ज नहीं हो रही है। बताइए बताइए, a3n+2 लिख तो दिया, a3n+1 दोनों इस्तेमाल, दोनों इस यूज किए, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में यह है सर, आपने ए आपने 3n+3 क्यों नहीं लिया, मुझे बताइए, किसी के दिमाग में यह आया क्या, तो हो सकता है। ओके ओके रजत, उसको एक बार करेक्ट कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना। चलो मुझे बताओ, किसी के दिमाग में ये आया a3n+3, ये सर आपने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बिकॉज दिस इज वॉट, दिस इज a3 into n+1, तो n+1 इज अ नेचुरल नंबर, n+1 फर्क कितना, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, तो दिस इज n डैश, तो ये कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा एक तरीके से 3n वाले के, समझ रहे हो, ये 3n वाले के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए 3n+3 नहीं लिया यहाँ पे, इसलिए हम किस पे रुक गए, 3n+2 तक। बिल्कुल बिल्कुल सही, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग अब सब आप पकड़ रहे हो, है ना, अब आप रिदम को पकड़ रहे हो, वेरी गुड। अब मान लीजिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाता, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही, नहीं, 3n के इक्वल, श्रद्धा 3n के इक्वल, 3n+3 3n वाले के इक्वल हो जाएगा, अब मुझे खुशी है अब आप रिदम पकड़ रहे हो। अच्छा मान लीजिए अगर आपको ये आ जाता अभी साइन एन पाई बाई फोर, देन बताइए शिवांगी, इसके बारे में बताऊंगा मैं, इसके बारे में बताऊंगा शिवांगी। अच्छा पहले मुझे बताओ,
साइन एन पाई प्लस फोर आपको ये सीक्वेंस दी जाए और कहा जाए कि सब सीक्वेंस की हेल्प से पता करो ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? ऐसे ए फोर एन साइन एन की जगह फोर एन रखूंगा तो कितना हो जाएगा, फोर एन इंटू पाई बाई फोर। साइन एन पाई बताइए, चार सबसिक्वेंस बनेंगी पहली सी। अब मुझे पता ही तो सीधा जीरो पे जाके कन्वर्जेंट होगी, ठीक है सबसिक्वेंस। दूसरी सबसिक्वेंस कौन सी बनेगी, फोर एन प्लस वन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, साइन फोर एन प्लस वन, फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई फोर, तो कितना आ जाएगा साइन एन पाई प्लस पाई बाई फोर। तो बताइए एन की वैल्यू वन रखूंगा, टू रखूंगा, थ्री रखूंगा, फोर रखूंगा, तो कितना कितना आएगा, इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि दिक्कत परेशानी ना आए। इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू वन रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई फोर यानी कि वन अपॉन रूट टू। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, माइनस के वन अपॉन रूट टू। फिर एन की वैल्यू टू रखने पर, एक मिनट रुको, एन की वैल्यू वन रखने पर माइनस के वन अपॉन रूट टू, प्लस के वन अपॉन रूट टू, माइनस के वन अपॉन रूट टू, प्लस के वन अपॉन रूट टू, ठीक है एंड सो ऑन। तो मैं देख रहा हूँ इसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, फेल तो ये यहीं पर हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि यूनिक लिमिट, एक सब सिक्वेंस के लिमिट पॉइंट आ रही है जीरो और एक सब सिक्वेंस के लिमिट पॉइंट आ रही है हाफ एंड प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो यूनिक लिमिट पॉइंट तो यहीं वैनिश हो चुका है ना, यूनिक लिमिट पॉइंट वाली कंडीशन तो यहीं वैनिश हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं एक बार जानना चाहूँगा कितने टोटल कितने लिमिट पॉइंट आएंगे इसके, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये तो यहीं दिख गया मुझे, बट स्टिल फिर भी इसको पूरा सॉल्व करते हैं, इसके बाकी की इंफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। ठीक, ये कितना आ जाएगा साइन 4n प्लस के 2 इंटू पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा साइन 4n पाई प्लस पाई बाई टू। साइन एन पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो एन की वैल्यू जरा वन रखेंगे तो कितना आएगा बताओ, अगर एन की वैल्यू को वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई टू यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच गया, तो माइनस के वन प्लस के वन। फिर एन की वैल्यू टू रखूंगा तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन एंड सो ऑन। तो इसके भी दो तरीके लिमिट पॉइंट आएंगे, एक तो वन आएगा एक माइनस वन आ जाएगा, है ना, या माइनस वन और प्लस वन ऐसे लिखिए। अब आ जाते हैं किस पे, थर्ड सब सीक्वेंस पे। थर्ड सब सीक्वेंस क्या आ जाएगी, ए फोर एन प्लस थ्री, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, साइन साथ के साथ लिखते चलो, लिखते चलो साथ के साथ पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर। यहाँ तक क्लैरिटी है बताइए, यहाँ तक सबको क्लैरिटी है। अब इसमें वही है, एन की वैल्यू वन रखो जरा तो कितना आ जाएगा साइन थ्री पाई बाई फोर यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया ये, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन रूट टू सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे एन की वैल्यू टू रखूंगा तो ये
अच्छा एन की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, एक मिनट रुको, एन की वैल्यू 1 रखी तो पाई प्लस 3π/4, तो 3π/4 एंड ये हो गया पाई, ये पहुंच गया कौन से में, ये आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, पाई प्लस 3π/4, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/√2। फिर एन की वैल्यू जैसी मैं रखूंगा कितनी, 2, तो ये पहुंच जाएगा सेकंड वाले में, वहां पॉजिटिव होता है साइन, तो 1/√2। फिर दोबारा से भाई एंड सो ऑन, मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस के 1/√2, यहाँ आ जाएगा प्लस 1/√2, तो यहाँ भी कितने इसकी सबसे, यहाँ भी लिमिट पॉइंट 2 आएंगे, यानी कि एक तो आ जाएगा प्लस 1/√2 और एक हो जाएगा माइनस के 1/√2। ठीक है, तो बताइए टोटल लिमिट पॉइंट्स कितने आएंगे। जीरो प्लस वन माइनस वन, 1/√2 माइनस के 1/√2, ये 5 आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी सब सीक्वेंस सेम नंबर पे कन्वर्स नहीं कर रही है, तो ऑल सबसिक्वेंसेस आर नॉट कन्वर्जिंग एट सेम लिमिट। इंप्लाइज साइन एन पाई बाई फोर इज नॉट कन्वर्जिंग। मुझे बताइए यहाँ तक किसी को ऐसा तो नहीं लगा ना कि सर बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चल रही है, यहाँ तक सब कुछ इजी था आसान था, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को ऐसा दिक्कत परेशानी तो नहीं आई ना। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो टाइम है अभी भी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यस ठीक है, यहां तक तो सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को भी। अब एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, इसमें आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि अभी तक हम जो कर रहे थे वार्म अप था, अभी असली क्वेश्चन आएगा। चलो सो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लास्ट से क्वेश्चन बहुत जल्दी, कमाल बहुत जल्दी, कमल बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। लॉक के लिए भी बताएंगे, लॉक के लिए भी बताएंगे, पहले इतना समझ लो। सपोज करो ये सब सीक्वेंस आपके लिए, अब सीक्वेंस आ गई ये, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, 4 की पावर
माइनस वन की होल पावर एन प्लस टू, और यहाँ पे आ गया एन। इसका मतलब हो गया ये कुछ इस ये चीज लिखी गई है, फोर की पावर माइनस वन की पावर एन प्लस टू, और होल पावर कितना आ गया वन अपॉन एन। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे पता है, देखो अब वन अपॉन एन से मतलब नहीं है मुझे, मुझे मतलब है इससे कि मैं देखूंगा मेरी सीक्वेंस को, ये जो माइनस वन की होल पावर एन है, अगर एन की वैल्यू इवन होगी और ऑड होगी उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी दो सीक्वेंस, दो सब सीक्वेंस बनाऊंगा। तो एक तो बनाऊंगा ए टू एन, तो जब ए टू एन बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू एन मतलब एन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, इवन। अब एन की वैल्यू इवन आएगी तो माइनस वन की पावर इवन होगी तो प्लस वन बन जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, छ की पावर, सॉरी 6 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2n। ठीक है, और अगर मैं वही लूंगा क्या, अब मुझे बताओ 6 की पावर 1 अपॉन 2n है। अब जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो लास्ट में ये किस पर जाके कन्वर्ट होगा बताओ, n की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 6 की पावर 0 ये 1 पर जाके रुकेगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अगर मैं क्या ले लूं, मैं यहाँ पे ले लूँ a 2n प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, अब माइनस 1 पे पावर e ऑड रखूँगा तो ये माइनस 1 रहेगा, यानी कि 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस के 2, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1। बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो मैं देखूंगा ये वैल्यू 1 से बड़ी है और इस पर पावर कैसी है, 1 अपॉन कुछ, समझ रहे हो, पावर 0 हो जाएगी तो ऑफकोर्स की बात है n, जैसे जैसे n इन्फिनिटी पर जाएगा तो 1 अपॉन 2n प्लस 1 0 पर जाएगा, तो 0 पे, तो यानी कि ये जो नंबर है इस पर पावर 0 जाने लगेगी तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने दो सबसिक्वेंस बनाई, दोनों की दोनों सेम नंबर पर कन्वर्ज हो रही है, इम्प्लाइज व्हाट, कि ए एन इज कन्वर्जेंट टू 1। इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं ना आप लोग तो बहुत टेढ़ा काम पड़ जाता। दिस इज कन्वर्जेंट टू 1, एक्चुअल में दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट टू प्लस 1, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट करते तो बहुत टेढ़ा काम पड़ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसिक्वेंस में तोड़ लिया, तो मैंने इसकी दो सबसिक्वेंस बनाई, ऑड और इवन वाली, और मैं देख रहा हूँ ये दोनों के दोनों सेम नंबर पर कन्वर्ज हो रही है। मैं तुरंत समझ गया, यानी कि हमारी जो मेन पेरेंट सीक्वेंस थी वो भी प्लस 1 पे जाके ही कन्वर्जेंट होगी। कितने बच्चों को समझ में आया बताओ ये? That was the question. ये है actual question. बताइए guys, कितने बच्चों को बिल्कुल सटीक समझ में आ गया ये यहाँ पे क्या चल रहा है? ऐसा बताइए, किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी तो पूछ सकता, अभी भी टाइम है। तो यहाँ समझ में आ गया सब सीक्वेंस का क्या, सब सीक्वेंस के पीछे इतना ज्यादा क्यों, मतलब हम जोर दे रहे हैं सब सीक्वेंस पे, कि क्यों सब सीक्वेंस को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, बताइए। टू एन कैसे आया, अरे हमारी जो सीक्वेंस थी मैंने उसको ऑड और इवन टर्म, ये देखो हमारी जो सीक्वेंस है मैंने उसको ऑड और इवन टर्म्स में तोड़ के रख दिया है। समझो मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरी जो सीक्वेंस थी मैंने उसके ऑड टर्म्स को अलग निकाल लिया, ऑड टर्म्स को निकाल के मैंने एक सब सीक्वेंस अलग बना ली, और इवन टर्म्स को निकाल के सब सीक्वेंस अलग बना ली, तो दो सब सीक्वेंस बनाई। सब इसको बोलो सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स, सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स।
और ये बन जाएगी सबसीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स। क्लैरिटी है बताइए? बताइए क्लैरिटी है यहाँ तक? सर एटलीस्ट दो सबसीक्वेंस सेम नंबर पे कन्वर्ट। नहीं सौम्यजीत, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा सर कोई भी दो एटलीस्ट दो सब सीक्वेंस कन्वर्ट कर जाए सेम नंबर पे, ऐसा नहीं है। ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंस को सेम नंबर पे कन्वर्ज होना होता है। अगर आपकी ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंस, मान लीजिए हमारी कुछ सीक्वेंस ए एन है, आपने उसकी 1000 सब सीक्वेंस बना ली, अब उन 1000 सब सीक्वेंस में से अगर एक भी सब सीक्वेंस ऐसी है जो कि किसी डिफरेंट नंबर पर जाके कन्वर्जेंट हो गई, तो ओवरऑल जो पेरेंट सब सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए हमारी सब सीक्वेंस ए एन है, सपोज करो, है ना, एक बच्चे ने अभी डाउट पूछा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हमारी सब सीक्वेंस ए एन है, अब हमने क्या किया इसकी 1000 सब सीक्वेंस बना ली, अच्छी बात है। अब इसमें 999 सब सीक्वेंस तो जा रही हैं किसी नंबर एल वन पे, है ना, और एक सब सीक्वेंस चली गई किसी अनदर दूसरे नंबर पे, तो इस केस में क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो यही है बात मुद्दे की इसमें, कि अगर आपकी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है तो वो, है ना, अगर आपकी मेन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस ढूंढ लाओ, कोई भी सब सीक्वेंस, अगर ये L पे जा रही है तो उसकी कोई भी सबसिक्वेंस ढूंढ लो, उसको भी L पे ही जाके कन्वर्ज होना पड़ेगा। ये है बात, ठीक है, बताइए। यस बिल्कुल आशुतोष, कन्वर्जेंट होना चाहिए, और कन्वर्जेंट के अलावा कन्वर्जेंट एट द सेम पॉइंट, मतलब समझे कि पेरेंट सीक्वेंस किसी नंबर एल पर जाके कन्वर्ज हो रही है, तो जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी दे ऑल आर कन्वर्जेंट टू एट दैट सेम पॉइंट, तब हम बोलेंगे कि हाँ पेरेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या अगर बीच वाला नंबर लेस देन वन होता तो आंसर जीरो आना चाहिए? कौन सा वाला नंबर लेस देन वन होता? नहीं रजत, बीच में कुछ नहीं देखना होता है, सब सीक्वेंस बनाओ बस अपनी, सब सीक्वेंस बनाइए और उनको चेक कीजिए, सिर्फ आपको सब सीक्वेंस बनानी है और उन्हीं को चेक करना है, इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं करना, ठीक है। तो मुझे बताइए आज यहाँ तक जितना कराया सब समझ में आया आपको? बताइए, और आज रात को 9 बजे दो क्वेश्चन दो क्लासेस होंगी, आज रात को 9 बजे वाले सेशन में दो क्लासेस होंगी, एक होगी 9 से 10 और दूसरी होगी 10:30 से 12, ठीक है ना। देखो जितने सब सीक्वेंस आप बनाने में सक्षम, वैसे 90% केसेस में सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स और सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स बना के काम चल जाता है, ठीक है ना। देखो 90% केसेस में सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स और सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स बना के काम चल जाता है, बाकी अगर आपको ऐसा आ गया साइन एन पाई बाई 4, साइन एन पाई बाई 3, साइन एन पाई बाई 2, तो इस तरीके से बनानी होती है। तो ये पैटर्न है क्वेश्चंस के, ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये क्वेश्चंस के पैटर्न्स हैं ये, अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पैटर्न्स पे से किसी एक पर आएगा, फिक्स है। बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आपको किसी डिफरेंट पैटर्न पे आ जाए, है ना। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए इसीलिए कराया था कि इन पैटर्न्स को बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, इन पैटर्न्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब कल करेंगे सब सीक्वेंस को कंप्लीट, और आज वन वेरिएबल की दो क्लासेस हैं, ठीक है। ओके बाय गाइस, यू टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, चलते हैं, मिलते हैं रात को 9 बजे। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दे कर जाएं जाते जाते, ठीक है ना। नहीं नहीं मेरी तबीयत अभी पहले से काफी सुधार है, अब सुधार है तो जो पिछले नुकसान के पीछे टाइम का जो आपका नुकसान किया है मैंने, उसको भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। देखो एक बात ज़िंदगी में याद रखना, आप अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो अपना टाइम लगा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर कोई एहसान कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ही बात है,
अगर जितना मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैंने आप लोगों के टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो उसी टाइम की भरपाई करने के लिए आज दो क्लासेज हैं वन वेरिएबल की, एक तो होगी 9 बजे से 10 बजे तक, दूसरी होगी 10:30 से 12 बजे तक, ठीक है ना? बिल्कुल सौम्य जी, सब सीक्वेंस को अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पहचानना सीख जाओगे, ठीक है ना? अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लगने लग जाएगा। चलो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है? और ये जो क्लास है इसको ख़त्म होने के बाद प्लीज़ सबके सब इसको लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज़ ज़रूर दें, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने अपने व्यूज़ ज़रूर ज़रूर लिखें, मैं उनको पढ़ता भी हूँ। और अगर वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लिखोगे कि जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है, कोई सजेशंस, कोई आइडिया, तो मैं पक्का उसको कंसिडर भी करूँगा, ठीक है ना? मैं आपके हर सजेशन को कंसिडर करता हूँ। ओके, बाय गाइस, यू टेक केयर, थैंक यू।